ओके ठीक हो गया। तो इसको एक ही क्लिप बनाई जाएगी क्योंकि तो क्या होता है मल्टीपल क्लिप्स ऐड करो ये सब करो वगैरह। तो हुआ यूँ कि घर से निकले, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स एवरीवन। पीछे आ रहा है ट्रक, एक मिनट। तो घर से निकले थे कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। ये गाना बहुत ही शानदार था, आई थिंक 20-25 साल पुराना गाना है ये। Awesome song, no doubt about it. और जुगल हंसराज था उस मूवी में, द कॉम्प्लेन बॉय, और काफ़ी अच्छा था। मतलब नाइस दैट सॉन्ग, आई रिमेम्बर बीच साइड, आई थिंक मॉरिशस की शूटिंग थी। सो बहरहाल तो घर से निकलने के समय सोचा ऑन करें लाइक वेरी गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात और सवाल खैर, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि इतनी भूख लगी थी ना। तो बात सच है कि पहले पेट पूजा फिर कोई और पूजा, तो बिना खाए तो काम ही नहीं चलता, सही बात है। लेकिन आज सुबह कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी क्योंकि शायद कल रात से ही मैं राजमा चावल खाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि यार आज सुबह डोसा खाऊंगा, मसाला डोसा। तो उसका अलग ही मतलब, वो ब्रेकफास्ट हो, नथिंग लाइक अ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो बेसिकली सो हेल्दी एब्सोल्युटली, मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, समथिंग विच स्टेज यू नो, यानी कि खाया और उड़ गया। लंच जैसा भी नहीं होता है और ये पूरा ब्रेकफास्ट ही होता है बिल्कुल। तभी देखिए इवन इन मोस्ट ऑफ द क्विजींस एंड द रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यू विल फाइंड कि इट्स पार्ट ऑफ द बूफे फॉर ब्रेकफास्ट। तो हमेशा है आजकल, मतलब इट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड सो कॉम्प्रिहेंसिवली कि क्या बोला जाए, ऐसी खराब रोड है, ऐसा लग रहा है कि मून के क्रेटर पे, मून पे है। कहाँ से बचा है समझ में नहीं आ रहा, लेफ्ट से या राइट से। बहुत ही मतलब इवन जो ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर भी ऊपर नीचे हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि कार का क्या हाल होगा, ये आपको एहसास हो रहा होगा। पता नहीं कब ये लोग भरेंगे इस गड्ढे को। इन द मीन टाइम बहरहाल बेहतरीन डोसा तो वो खाने के बाद अच्छा लगा है। मतलब मैं सोच रहा था बनाओ ऑन करूं, बट मुझे लग रहा था मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, माइंड ऐसा खाली पड़ा था ना। वो कहते ना कि आई वॉज रियली हंग्री, मतलब फैमिश्ड, स्टार्विंग वाली फीलिंग आती है। जबकि ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के कॉफ़ी नहीं पी है, बट यू नो पब्लिक जो फूडी वूडी होती है तो उनको ऐसी भूख लगती रहती है। और अभी ही मौका है ये सब बाहर खा के। मतलब यूजली क्या है कि व्हेन द समर क्रीप्स इन वंस अगेन, मतलब अभी तो आई है, अभी तो उसने कॉल किया गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब ठीक है, मतलब आई विल कम, मतलब मैं आऊँगी अभी समर ने अभी ऐलान नहीं करा है, या कहना चाहिए ऐलान किया है कि मैं आने वाली हूँ, ठीक है ना। तो गर्मी आई नहीं है तो ऐलान हुआ है बस। तो तब तो कहीं उतर के खाने का मन भी नहीं करता कि उतरो रेस्टोरेंट में जाओ, उसका एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपको लगता है कार में बैठ के खा लो, नहीं तो अपने घर से खा के निकलो। और ये मालाबार रेस्टोरेंट है अपने मैंगलोर वालों का है, और मैंगलोर नहीं कहना चाहिए, मालाबार हैज़ बीन इज द केरला साइड, सो केरला वालों का है, बट शेफ शायद मैंगलोर का है। बड़ा अच्छा, मतलब रियल इंडियन टेस्ट आपको आता है, बढ़िया डोसा इडली वड़ा, मतलब यू नेम इट एंड यू विल गेट इट, जो ब्रेकफास्ट में यूजली मिलता है। इनके लंच भी सर्व करते हैं, वेरी नाइस स्टफ। स्पेशली पार्किंग का इशू नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आधे समय तो लोग वहाँ नहीं जाते जहाँ पार्किंग होती नहीं है। गजब हिल गया ये, मतलब इसका कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा मुझे, अभी तक मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पाया इसको सीधा रखो टेढ़ा रखो। गर्मी का सबसे बड़ा मापदंड एज ए मेजर क्या है, जब आप कार की कंपनी को गाली देने लगते हो या ब्लेम करने लगते हो, साला चल ही नहीं रही है, ठंडा ही नहीं कर रहा है,
तो आप समझ जाएं कि ये वही कार थी 3 महीने पहले जहाँ इतना ठंडा कर रही थी कि आप मतलब आप सोच रहे थे कि स्वेटर ना पहन लें या जंपर पहन लें, कान में ईयर बफ्स लगा लें. सो व्हाट रियली हैपेंस इज नथिंग बट गर्मी आ गई, दैट इज इट. और ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस अच्छे लगते हैं लोगों को वो भी वेरी करता है. मतलब मेरे मुझे याद है कि एक बार मैं लखनऊ गया, ठीक है, दिस वाज लाइक वेरी लॉन्ग टाइम अगो, और फिर एज यूजुअल वंस अगेन कैमरा ऐसा गिरा है धम चिक चिक धम, तो अब इसको फिर अलाइन करना पड़ेगा. समझ में ही नहीं आ रहा है. अब शायद तुम्हें ठीक लगे. मुझे तो लग रहा है कि ठीक नहीं बैठ रहा. इससे क्या हो गया ना, जो एसी का वेंट था पूरा ब्लॉक हो गया. तो ये इशू में जो कल भी रेस करा था मैंने, वो यही था कि इन कार्स के साथ जिनमें बीच में बड़ी स्क्रीन होती है ना, तो आपका वो अंडे का फंडा निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको कहाँ लगाना है. देखो आखिरी में घूम फिर के वहीं आ गए. सॉरी मेरी लॉरी. हाँ तो अभी यही एक ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर कि आपको पता नहीं क्या क्या ये भी ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा होगा. मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, बट आई थिंक दिख रहा होगा. थोड़ा सा यूनिक सा एंगल है, ऐसा लग रहा है कि कॉकपिट में बैठे वाला है एंगल. तो बहरहाल कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आज ले नहीं बैठ रही है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. जैसा मैंने पहले बोला था, एजेंडा हमारा कुछ नहीं होता है, बस गुड मॉर्निंग और जो मन में विचार चल रहे होते हैं, विचारधारा, विचार को बस शेयर किया जाता है. नथिंग कंटेंट बेस्ड नहीं है. तो ब्रेकफास्ट में मतलब लोग, मैं हाथ में लखनऊ गया, तो मैं वो कह रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि लखनऊ गया, और मैं लखनऊ गया, मैंने बहुत बढ़िया आज सुबह डोसा इडली वड़ा या कुछ खाया जाए, गुड मॉर्निंग. एंड यू विल बी सरप्राइज, मैं एक दुकान पे गया, मैंने भैया कुछ है डोसा इडली, कहते अरे ये सब तो शाम का खाने का. मैंने कहा है शाम का खाने का मतलब क्या है, ब्रेकफास्ट में नहीं होता है? कहता नहीं नहीं सर, ब्रेकफास्ट में सिर्फ कचौड़ी मिलेंगी, जलेबी मिलेगी, समोसा मिलेगी, विच इज़ वेरी कॉमन इन नॉर्थ, कि मतलब यही होता है, पोहा होता है, आपको उपमा नहीं मिलेगा. बट समाओ इतना तेल का सुबह सुबह, मतलब आई नो जबलपुर में तो जलेबी उसमें दही में डाल के या रबड़ी में डाल के ब्रेकफास्ट होते हैं एंड वॉट नॉट, दूध में डाल के तो स्टैंडर्ड है. इट्स नोन एज की दिस इज द पावर प्राश, मतलब वो कहा जाता है कि अगर आप ये खा रहे हैं तो मतलब ये सुबह ब्रेकफास्ट जलेबी और दूध का हो गया तो आपका दिन सेट है, दूध और जलेबी. बट बहरहाल सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं. कई लोग पराठे प्रेफर करते हैं कि भैया सुबह मस्त पराठे खा के जाएं. सो कीप्स वेयरिंग. पार्किंग मिल जाती तो अच्छा लगता उसका, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती ना, ये बिल्कुल कार हो जाती बिल्कुल भट्टी, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है. सो थोड़ा जल्दी आने का फ़ायदा ये रहता है.
ये गाने सुनने से अच्छा if anything happens they won't be you won't be able to spot them even if you were looking for them if they're just wearing blue so the recommended colors are neon colors basically like highlighter the most recommended is red orange and yellow yeah right I mean well, water's clear but it reflects the yes. the sky yes excuse me so it's I mean for so I'm not sure yeah. क्या व्यू आप लोगों को दिखा होगा विद मी ड्राइविंग लाइक दिस सऊदी अरामको 91.4 वही सुन रहे थे थोड़ा काला सेटल वेटल होगा तो शायद आज थोड़ा सा ठंडा हिसाब रहा मैं कहूँगा ब्लॉगिंग का कोई बात नहीं यू कांट हैव ऑल द ब्राइट डेज एंड थोड़ा सा आपको मेरी शांति भी इंजॉय करने का मौका मिला होगा कि कैन दिस पर्सन बी क्वाइट देखिए बिल्कुल मैं खाली वाली फीलिंग में हूँ खाली यू नो मैं सो बिल्कुल मतलब देयर इज नो कंटेंट इन द माइंड एज दिस मोमेंट मतलब कुछ टॉपिक ही नहीं उमड़ रहा है यूजली जब वो बढ़ जाता था नेवर्थलेस होपफुली द आफ्टरनून विल बी क्वाइट इन एक्शन एंड तब बात करते हैं अंटिल देन हैव अ गुड डे